कुरकुरी मसालेदार मैकरोनी नमकीन आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, वो भी कुछ ही मिनटों में। मैकरोनी बॉईल करने के लिए एक पैन में हम डालेंगे पानी और इसको हम बॉईल जाने देंगे। अब आप इसमें डालें नमक, ये ज़रूरी है, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे मैकरोनी पास्ता। नमक उसमें डालने से आपकी मैकरोनी में अंदर तक सॉल्ट जाएगा, तो हम इसे बॉईल करेंगे 7 से 8 मिनट तक, जब तक ये सॉफ्ट हो जाए। आप देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आपको एक नाइफ़ की हेल्प से काट के दिखाऊंगी। अब आप एक्सेस वाटर को ड्रेन आउट करें और अब हम इस पास्ता को ट्रांसफ़र करेंगे एक बोल में। अगर आप देखें तो इस पॉइंट पे भी जो पास्ता है उसमें मॉइस्चर है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसमें डालेंगे राइस फ्लार यानी चावल का आटा और कॉर्न फ्लार। अब आप इसको अच्छे से मिलाएं। अगर आपकी मैकरोनी थोड़ी ड्राई होगी तो वो ये दोनों अच्छे से कोट नहीं कर पाएगी, तो आप इसको अच्छे से मिलाएं। जो कॉर्नफ्लावर और राइस फ्लावर है ये बहुत अच्छा क्रिस्पी टेक्सचर देगा। हमें एक्सेस नहीं डालना, सिर्फ इतना डालेंगे ताकि अच्छे से कोट हो जाए। अगर आप एक्सेस डाल देंगे तो तेल में फ्राई करते वक्त वो उसमें नीचे रह जाएगा। आप देखें हमारी मैकरोनी अच्छे से कोट हो गई है, और अगर मैं आपको दिखाऊँ इसमें एक्सेस बिल्कुल भी नहीं है, तो ये अब परफेक्ट है। ऑयल को मैंने मीडियम हॉट किया है, आप बहुत गर्म नहीं करें। हम एक मैकरोनी उसमें डाल के देखेंगे। आप देखें इसमें बबल्स आ रहे हैं, मतलब कि टेम्परेचर बिल्कुल करेक्ट है। अब आप इसके अंदर डालें अपनी बाकी की सारी कोटेड मैकरोनीज और इसको हम फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट तक, ताकि इसके ऊपर एक हल्का गोल्डन कलर आए। अगर ये आपकी अंडर कुक्ड रहेंगी तो ये क्रंची नहीं रहेंगी, तो आप ध्यान रखें ये क्रंची होनी चाहिए, इसलिए आप इसे परफेक्टली फ्राई करें। आप देखें इस पॉइंट पे इस पर कलर आ चुका है, तो अब हम इसको निकालेंगे। जब आप इसको फ्राई करके हटेंगे आपको तभी फील होगा, जैसे जब हम चिप्स तलते हैं तो वो ऑलरेडी कुरकुरे से लगते हैं, तो ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। अब इसकी सीजनिंग के लिए मैं ले रही हूँ जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। ये सीजनिंग है जो इसको बहुत ही मज़ेदार बनाएगी। सीजनिंग आप अपने हिसाब से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वैरायटी इसकी एंडलेस है। आप पेरी पेरी मसाला ले सकते हैं, पाव भाजी मसाला ले सकते हैं, चीज़ पाउडर ले सकते हैं, तो जो भी आपको फ्लेवर्स पसंद है आप अपनी क्रिएटिविटी इसमें दिखा सकते हैं। तो इस पॉइंट पे जो हमारी मैकरोनी है वो अभी भी गर्म है, तो इमिजिएटली आप उसमें सीजनिंग डालें। ये बहुत अगेन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये ठंडी हो जाएगी तो ये जो आपके मसाले हैं वो उनको अच्छे से कोट नहीं कर पाएगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार कुरकुरी सी बनती है। कभी आपके घर में बच्चों को चिप्स खाने का मन करे तो आप घर पे ही इसको बनाएं और उनको बना के खिलाएं। इसमें मिंट फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, टमेटो फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो आप इन सबको ट्राई करें। आप देखें अच्छे से मसाले कोट हो गए हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखिए क्रंच बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं आपको ये कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं मैं और ऐसी स्नैक रेसिपीज़ आपके लिए बनाऊं तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं।